हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के। एग्जाम लिया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के VSSC डिपार्टमेंट ने। तो इसके अंदर है, पहले 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके डाल दिए, तो उनकी वीडियो आप चेक कर सकते हो चैनल पे विजिट करके। आज हम करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। तो इसमें पूछा हुआ 21 के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल, तो कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC यूनिट सेल के अंदर, ये पूछ रहे हैं ये। तो अगर हमने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कैसे निकलते हैं? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलोंग ईच बॉडी डायगनल इंटू नंबर ऑफ बॉडी डायगनल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? FCC यूनिट सेल। तो बॉडी डायगनल्स कितने होते हैं इसके अंदर? 4। और एक बॉडी डायगनल्स के अलोंग जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो होते हैं 2। अलॉन्ग ईच बॉडी डायगनल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो एक बॉडी डायगनल के अलॉन्ग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं? 8। तो इसका आंसर है जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या है इसमें? ब्रेविस 3 डायमेंशनल लैटिसेस आर ऑफ, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अगर हम बात करें तो उसके अंदर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उनके ब्रेविस लैटिसेस होते हैं 14। तो ये आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में टोटल 14 होते हैं, नहीं तो अदरवाइज मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं। तो इसका आंसर था डी। इसके बाद पूछा हुआ है शील्डिंग फैक्टर दे रखा है आपको सोडियम एंड क्लोराइड का, और आपसे वो पूछ रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है आपको सोडियम फ्लोराइड का 2.31 एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक रेडियाई की रेशियो निकालनी है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ कैटायन टू रेडियाई ऑफ एनायन। ओके, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, ये वाली रेशियो आपने निकालनी है। क्लियर? ये बात। तो आपको शील्डिंग फैक्टर दे रखा है, शील्डिंग फैक्टर जो है वो किससे डिनोट होता है? सिग्मा से। आपको एटॉमिक नंबर जेड भी दे रखा है और आपने क्या निकालना है? देखो सबसे पहले क्या है इसमें, अगर हम रेडियस देखेंगे कैटायन का तो वो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कैटायन का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओवरऑल जो रेडियस होता है वो क्या रहता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है उतना ही ज्यादा आयन का रेडियस जो होता है वो कम रहता है। ओके, तो इनवर्स में वेरी कर। तो इसी तरह अगर हम रेडियस ऑफ कैटायन हमारा क्या है? सोडियम। तो अगर हम एनायन की बात करें तो उसका रेडियस क्या रहेगा? जेड इफेक्टिव ऑफ एनायन। ठीक है, वो भी इनवर्स में रहेगा। इसके बाद देखो अब हमने क्या निकालनी है? रेशियो। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला जो होता है जेड इफेक्टिव वो किसके इक्वल होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू अटोमिक नंबर माइनस शील्डिंग फैक्टर। तो आपको अगर हम जेड इफेक्टिव देखें कैटायन का सोडियम के केस में तो उसका जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 11। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है शील्डिंग फैक्टर दोनों का ही, दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू 4 दे रखी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दोगे कितना आ गया? 7। इसी तरह आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो एनायन के लिए, तो उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 9। 4 ये कितना आ गया? 5। क्लियर? तो इसके बाद हम ये वाला 1 ले सकते हो, आप ये वाला 2 ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो और डिवाइड कर दो 1/2। तो हमने क्या निकाली है? कैटायन और एनायन की रेशियो। तो 1/2 करोगे तो ये यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ऑफ एनायन ओवर जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन। क्लियर? तो एनायन का कितना आया है? 5। और कैटायन का कितना आया है? 7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो कितना आता है? 0.714। और वो किसके नियर है? 0.0708। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है?
अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 200 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ दैट कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो बच्चे मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी इज मोल पर ले, या मोल क्या होता है? सोल्यूट के लिए और वॉल्यूम लीटर में किसकी? सॉल्वेंट के। तो ये होती है मोलैरिटी। ओके, तो अगर हमने निकालना है ऐसे मोलैरिटी निकालनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितने मोल्स इसके यूज हुए हैं और कितना वॉल्यूम यूज हुआ है लीटर में वाटर का। ओके, ये सैंपल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या बोला हुआ उन्होंने, सैंपल ऑफ वाटर। ओके, तो नीचे क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले पता करने पड़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास ओवर मोलर मास। क्लियर? तो मास कितना लिया है इन्होंने? 200 ppm में दिया हुआ है। तो ppm को आप मिलीग्राम में भी ले सकते हो, बट यहाँ पर हम किस में लेंगे? ग्राम। ओके, क्योंकि हमारे पास जो नीचे मोलर मास इसका कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 g/mol। तो इस तरह ये क्या है? मास इसका 200 g। तो इस ऐसे जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करके यहाँ पर हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने आ जाते हैं? 2। इसके बाद हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी रहती है? डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? और यहाँ से हमने वॉल्यूम निकालना है वाटर का, तो वो क्या रहेगा? मास ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी। तो मास कितना यूज होता है? 10^6 g वाटर के लिए, और उसकी डेंसिटी कितनी रहती है? 1 g/mL। क्लियर? तो इसको आप जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कितना आता है? 10^6 mL। इसको आप अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो वो कितनी आएगी? 10^3 L। तो यहाँ पर आप जब 10^3 रखते हो तो ये आपके पास कितना आ जाता है ओवरऑल आंसर? 2 × 10^-3। तो ये है आपकी मोलैरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसमें से जो अगर देखें हम चार ऑप्शन के अंदर, तो ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन की। इसके बाद 25th में पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मोल फ्रैक्शन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 412 टॉर एट 25 °C। तो इसके अंदर देखो हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट दे रखा है आपको। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन निकालनी है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपको दे रखा है। तो इसके लिए बस एक छोटा सा रिलेशन है, वही याद रखना था, वही यूज होना है। तो कंसेंट्रेशन किसके इक्वल है यहाँ पर? प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो आपने कंसेंट्रेशन निकालनी है, प्रेशर कितना दे रखा है? 412 टॉर, और टेम्परेचर यहाँ पर रिलेशन में यूज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर 25 °C है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.6 × 10^4 टॉर। क्लियर? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आता है 4.8 × 10^-3, दैट इज बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट का देखते हैं तो क्या पूछा हुआ है? तो इन्होंने दो लीनियर इक्वेशंस दे दिए आपको, और आपने क्या निकालना है? सॉल्यूशंस। अगर ऐसे निकालना है तो इसके लिए देखो बच्चे, अगर आप किसी भी दो इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हो, आप पूछा गया है कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपने ये पता कर, तो आपको पता है कि जैसे ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये A1 की वैल्यू है, ये A2, ये वाली क्या है? B1 की वैल्यू है, और ये वाली क्या है? C1 की वैल्यू। क्लियर? तो आपने इस तरह दूसरी इक्वेशन से A2, B2 और C2 की वैल्यू देख लोगे, तो और आपने तीन रिलेशंस देखने हैं। अगर तो A1 ओवर A2 एंड B1 ओवर B2 की रेशियो नॉट इक्वल है, तो उस केस में जो आपका आएगा वो आएंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके रेशियो है A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2, A1 एंड A2 की रेशियो एंड B1 ओवर B2 की रेशियो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, तो इस केस में क्या आएगा? नो सॉल्यूशन।
सिमिलरली अगर तीनों ही इक्वल है, तीनों ही रेशियोज हैं जो इनकी वो आपस में इक्वल आ रही है, तो उस केस में आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बस यही आपने अप्लाई करके देखना है। तो अगर हम अपने इसमें केस में देखते हैं, जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इस केस में जो A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है 7। इसी तरह आप इधर से निकालोगे तो A1 की A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -4 एंड C2 की वैल्यू कितनी है 8। अगर आप ऐसे इनके अब वैल्यूज फिल करके देखो तो पहले वाला ही देख लो आप, तो A1/A2 एंड B1/B2 की रेशियो सेम नहीं आएगी। A1/A2 रखो 2/1, B1/B2 दैट इज 3/-4, तो ये नॉट इक्वल है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस इन चार ऑप्शन में से ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो 27th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर कोई आपको दो एंगल दे दिए उसने, और वो क्या है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90। ओके, तो आपको पता है कि टोटल सम कितना होता है 180 ट्रायंगल के एंगल्स का। तो अगर एक एंगल है x+15, सेकेंड एंगल दे रखा है उसने 2x+9 एंड यू नो दैट ये दोनों का जो सम है लेस देन 90। ओके, या ओवरऑल इक्वल टू 90 है इन दोनों का सम। ओके, और दोनों ही एक्यूट एंगल है लेस देन 90। जब हम एक्स की वैल्यू फिल करेंगे, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, थर्ड एंगल 90 है क्योंकि कौन सी एंगल, कौन से ट्रेंगल बोली हुई है, राइट एंगल ट्रेंगल, और टोटल सम किसके इक्वल होता है 190 के। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और यहां से आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू 22। आपने बस यही निकालनी थी, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया था इन्होंने, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो 28 के अंदर, 28 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो बेंजीन और नेफ्थलीन से कौन सा सॉल्यूशन बना है बच्चे, बेंजीन प्लस नेफ्थलीन से इनको मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बना है। और इस मिक्सिंग के लिए प्रूफ स्टेटमेंट बतानी है, ऐसे चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ओके, इनको तो हम बाद में देखते हैं, वैसे ही बताते हैं। अगर कोई इन दोनों को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बन ही गया, इट मीन रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई, इट मीन के मिक्सचर जो बनाया आपका, जो स्पॉन्टेनियसली फॉर्मेशन हुई है, तो उस केस के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या रहेगी, लेस देन जीरो। नेगेटिव आएगी ना वैल्यू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी लेस देन जीरो, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपकी, स्पॉन्टेनियस। इसके बाद अगर हम स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियस सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो अगर हम सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी, डेल्टा ऐसे सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। अगर हम सराउंडिंग की बात करें, तो अगर सिस्टम की ग्रेटर देन जीरो है, ओके, इंक्रीज कर रही है इंट्रोपी, तो सराउंडिंग की रहेगी इंट्रोपी जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग है जो ओवरऑल जो चेंज इन एंथैल्पी वो भी रहती है सिस्टम की जीरो। ये चार है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखो, इसमें हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, पहले के अंदर उसने गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव बता रखा है चेंज, ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वाला चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड में सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी जीरो बता रखी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड के अंदर जो जीरो होनी चाहिए सराउंडिंग की, चेंज इन एंट्रोपी वो ग्रेटर देन जीरो बता रखी है, तो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मरकरी है, ओके, फोटो अंडर लाइट ये रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या है, मरकरी लाइट ऑब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन से क्या, एक्चुअल में हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, 2H। ओके, तो इसके बाद ये कोलाइड करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, ओके, और वापिस से क्या हो जाता है, जो भी बॉन्ड ब्रेक होना है, फॉर्म होना है, वो हो जाता है, और यहां से बन जाती है हाइड्रोजन 2H, और मरकरी वापिस से डीएक्टिवेट होके अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर हुआ क्या वो बताना है, फॉस्फोरेसेंस हुआ है, फ्लोरेसेंस हुआ है, चार्ज ट्रांसफर या फोटोसेंसिटाइजेशन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फोटोसेंसिटाइजेशन। क्योंकि फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, कोई ऐसी रिएक्शन जो लाइट के अंडर नहीं हो रही है, ओके, उसमें जो मॉलिक्यूल है, जो आपका रिएक्टर से प्रोडक्ट बनना है फाइनल, वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल हो रही है, वो उतनी लाइट अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होता है, आपका एक सेंसिटाइजर दिया जाता है, जैसे कि मरकरी दिया जाता है, ये लाइट अब्सॉर्ब करता है, खुद लाइट अब्सॉर्ब करके आगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपका, जैसे हाइड्रोजन, उसके साथ कोलाइड करता है और उसको सारी एनर्जी देके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ओके, तो इस केस में मरकरी जो सेंसिटाइजर का काम करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसके बाद देखो, पूछा हुआ है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ग्लूकोज इन इक्विलिब्रियम विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो सीधी सी बात है, किसके बारे में बात हो रही है, ग्लूकोज के। एक तो वो सॉलिड फॉर्म में है, एक उसकी कौन सी है, लिक्विड फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है। तो वो दोनों फॉर्म्स आपस में इक्विलिब्रियम में है, और ये फेज सिस्टम वाले जो होते हैं, इनके अंदर जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है वो गिब्स फेज रूल से निकलता है, दैट इज सी माइनस पी प्लस टू। तो यहाँ पर जो एफ होता है वो क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, पी क्या है हमारा नंबर ऑफ फेसेस। तो अगर हम फेस की बात करें, पी की वैल्यू देखें, तो कितने फेस हैं, एक सॉलिड फेस है, एक एक्वस फेस है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस टू है। कंपोनेंट की बात करें तो है तो ग्लूकोज, बट वन इज सॉलिड एंड वन इज लिक्विड फॉर्म, तो कंपोनेंट भी हमारे यहाँ पर दो ही रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फिल करते हो तो वो क्या आ जाता है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, टू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो आपको दे रखी है, ओके, चेंज इन एंट्रोपी भी दे रखी है। हमने टेम्परेचर निकालना है एट वन एटमोसफेयर। तो यहाँ जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट जो रेट ऑफ मोल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की गैस टू लिक्विड फेस, एंड रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेस, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने ये क्या दे रखे हैं, दोनों वैल्यूज वेपराइजेशन की, ओके, तो फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो रेट होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का गैस टू लिक्विड, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज। तो ऐसा जब हो जाता है, तो इस केस के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाता है, जो लिक्विड फॉर्म होती है वो वेपर फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है, उस केस में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जीरो हो जाता है। तो अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू तो जीरो रहेगी, इसको जीरो रखते हो, तो उसके बाद आपका क्या आता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से जो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू है वो है डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। एच की वैल्यू फिल कर दो, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। जब आप फिल करोगे यहाँ पर, तो क्या एक चेंज आता है, कितनी वैल्यू है चेंज इन एंथैल्पी की, 30 किलो जूल पर मोल, क्लियर, और चेंज इन एंट्रोपी वो है 75 जूल पर मोल पर कैल। तो ऊपर वाला नीचे वाला आपको जूल में दे रखा है, ऊपर वाला जो है क्वांटिटी वो क्या दे रखी है, किलो जूल में। तो इसको आप किलो जूल वाले को भी जूल में कन्वर्ट कर सकते हो पहले, क्योंकि करना ही पड़ेगा अगर यूनिट सेम करनी है और कट करनी है। तो जूल में करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30,000, और नीचे क्या है, 75, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास सिर्फ कैल्विन बचेगा, ओके, जो यहाँ पे था कैल्विन यूनिवर्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 400 केल्विन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर वो है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज दिस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपको दे रखा है, दैट इज 1.04 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। इसी तरह आपने निकालना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट मीन आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है फॉर डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ निकालना है आपको, जो कांस्टेंट वैल्यू एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट की और
डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट की वाटर के लिए दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। ओवरऑल अगर जो रिलेशन होता है चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू एम के, ये वाला रिलेशन होता है, और यहाँ पर जो एम होती है आपकी वो होती है मलेरिटी। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन। इसी तरह अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन। क्लियर, हमने डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिस्टम तो सेम ही है, एक्वस सॉल्यूशन किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो मास तो सेम ही रहेगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड एमसीएम कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, के बी ओवर के एम। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल करो, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज कर लो, ये आ जाएगा। वैल्यूज फिल कर दो डेल्टा टी बी की, 1.04 डेल्टा टी एफ हमने निकालना है, के एफ की वैल्यू दे रखी है, के बी की वैल्यू दे रखी है, इसको फिल करनी है डायरेक्ट। कोई भी यूनिट चेंज करने वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि सारी यूनिट्स सेम दे रखी हैं, के बी की और के एफ की। तो आपने क्या करना है, बस सॉल्व वैल्यूज फिल करनी और सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर रहता है दैट इज 3.72 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला आपका सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है इसको। नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मास ऑफ फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन एंड ग्लूकोज कंटेन्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपने फॉर्मेलिन का मास है जो एंड ग्लूकोज का मास है उनकी निकालनी है रेशियो, दोनों की वॉल्यूम आपको इक्वल दे रखी है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई वो भी, या दोनों का सेम दे रखा है, और एट ए गिवन टेम्परेचर इवन टेम्परेचर भी सिस्टम का सेम है दोनों के। तो अगर ये एक्सप्रेशन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो किसके इक्वल होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, तो इसको आपने सॉल्व करना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो इसके अंदर देखो बच्चे ये है पाई, क्या होता है यहाँ पर आपका ओस्मोटिक प्रेशर, आर गैस कांस्टेंट, एंड टी है टेम्परेचर, और सी क्या है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। क्लियर, इसके इक्वल होती है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास ओवर मोलर मास इंटू आर टी ओवर बी। क्लियर, ये है आपका एक्सप्रेशन। अब देखो अगर हम फॉर्मालिन की बात करते हैं, दोनों के केस में मैं सेम ही ऑस्मोटिक प्रेशर ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने सेम बोला हुआ है। तो अगर हम फॉर्मालिन के केस में देखते हैं तो मास ऑफ फॉर्मेलिन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉर्मेलिन इंटू आर टी, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। क्लियर, ये है इक्वेशन नंबर वन। सिमिलर अब सेकंड ग्लूकोज के लिए बात करते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू आर टी ओवर, ये होगी दो इक्वेशंस। तो आपने कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ओके, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे आप, फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड तो आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया वन। राइट हैंड साइड से जो भी कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद आपके पास बचता है एम एफ ओवर एम जे। क्लियर, इनटू मॉलिक्यूल फिल करके देख लो यहां पर क्या आता है, एम एफ फॉर्मालिन का मास ओवर फॉर्मालिन का मोलर मास। फॉर्मालिन का मोलर मास क्या होता है, 30 इनटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आता है, 6। तो यहां से आपकी जो रेशियो आती है मास ऑफ फॉर्मालिन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो सॉल्व, क्या आता है, 1:6। ये आपका करेक्ट आंसर, तो डी है इसमें से करेक्ट आंसर आपका। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, द आयनिक रेडियाई ऑफ दो कटाइन दे रखे हैं आपको, ट्रिपेडियम एंड आयोडाइड।
इन दोनों के लिए जो आयनिक रेडी आपको दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबल टाइप निकालनी है इस स्ट्रक्चर की, क्या हो। तो इसके अंदर आपने पता है आपको कि रेडियस रेशियो क्या होती है, रेडियस रेशियो होती है रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन, यही होता है रेशियो। अगर आप इसको फिल करते हो यहाँ पर कैटायन और एनायन की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करके आता है 0.67। और अगर हम लिमिटिंग रेडियस जो होता है उसकी रेंज देखें, लिमिटिंग रेडियस उसकी रेंज होती है 0.414 से जो रेडियस रेशियो होता है 0.732, उनकी जो अरेंजमेंट रहती है वो रहती है ऑक्टाहेड। ओके, उसके कोरिस्पोंडिंग जो आपका अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी ऑक्टाहेड अरेंजमेंट, और कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6, क्योंकि हमारी आ रही है 0.67, तो वो भी इसी रेंज के अंदर लाई करती है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्टाहेड अरेंजमेंट। अगर आप चारों अरेंजमेंट, चारों ऑप्शंस में से देखते हो, तो ऑक्टाहेड अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सिर्फ NaCl के अंदर ही है। तो इट मीन इसकी जो स्ट्रक्चर है RBI की, वो जो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है NaCl के। तो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो 35th में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है एसिटिक एसिड की एट एनी कंसेंट्रेशन सी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन दैट इज लैम्डा सी एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज लैम्डा इनफाइनाइट, और करेक्ट रिलेशन निकालना है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा करेक्टर ऐसे करके मेंशन कर रखा होता है बुक्स में। ओके, तो वही उसी को यहाँ पर रीअरेंज कराइए। बी आपका जो कॉन्स्टेंट है इसको लिखा हुआ है इन्होंने एक्स, ये कंसेंट्रेशन है सी, कंसेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी एंड एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन दैट इज लैम्डा। ओके, तो इनमें से अगर देखोगे तो आपका करेक्ट जो रिलेशन है वो है सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो एडसॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है जब एडसॉर्प्शन होती है, वाई। तो फर्स्ट बोला एडसॉर्प्शन प्रोड्यूस हीट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम लार्ज इन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन, नो, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट एक्टिव सेंटर ऑफ कैटलिस्ट बिकम हाई ड्यू टू एडसॉर्प्शन, ये समवट सही स्टेटमेंट है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एक्टिव सेंटर्स के ऊपर। बट जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो इसके हिसाब से सही है, क्योंकि हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू बताना है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि एडसॉर्प्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देती है। ओके, एडसॉर्प्शन की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है सिस्टम की वो कम चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से स्पीड जो होती है रिएक्शन की वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम इन चार ऑप्शंस को कंपेयर करें तो इसमें से डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है माल्टोस इज मेड अप ऑफ, तो माल्टोस जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है, तो इसका ए करेक्ट आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देनी है और इसके ऑर्डर बताना है, और चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं, एक दे रखा है मेटा नाइट्रोफिनोल, सेकंड इज मेटा क्रियोसोल फिनोल एंड मेटा क्लोरोफिनोल। तो अल्टीमेटली जो चारों दे रखे हैं आपको सबस्ट्रेट्स, चारों फिनोल से रिलेट करते हैं। एक तो सिंपल जो पहला है दैट इज नाइट्रोफिनोल, क्लियर मेटा पोजिशन पे। सेकेंड इज एमक्रिसोल, एमक्रिसोल में क्या होता है मेटा पोजिशन पे मिथाइल लगता है। थर्ड आपको दे रखा है सिंपल फिनोल एंड फोर्थ आपको दे रखा है मेटा क्लोरोफिनोल, क्लियर। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपने, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब यहां से प्रोटॉन फिनोल का किसमें जी कितनी जल्दी फिनोक्साइड आयन बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है एज एच पॉजिटिव। ओके, तो ये तभी हो सकता है एच पॉजिटिव यहाँ पर, अगर रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, तो यही से हमने कंपेयर कर लेना है। तो देखो अब इस केस में, फर्स्ट केस में नाइट्रो लगा है, सेकंड मिथाइल, थर्ड में कुछ लगा ही नहीं और फोर्थ में क्लोरो।
तो अगर हम इन चार सब्सिट्यूट, ये सपोज करो यहाँ पर एच लगा, इन चारों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है दैट इज नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ रिंग से, और रिंग आगे ऑक्सीजन से, और यहाँ से एच जल्दी रिलीज हो सकता है एज एच पॉजिटिव। तो अगर हम चारों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ फर्स्ट, क्लियर। और ऐसा ऑप्शन देखें तो इसमें दे रखा है बी एंड सी में, सॉरी सी एंड डी में, तो बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। आगे देखो, अगर नाइट्रो के से देखें कम, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर नाइट्रो से कम होती है। तो उस हिसाब से क्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्लोरीन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है जो फिनोल है, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें वो ज्यादा होगी। तो उसके बाद आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट के बाद 14th की, फोर्थ की। उसके बाद देखो, अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो मिथाइल जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर फिनोल में कुछ लगा ही नहीं हुआ। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इट मीन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियस है थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसमें ये न्यूट्रल है, इसमें कुछ नहीं लगा, और इन दोनों में लगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी सेकंड, तो ये ऑप्शन ये वाला है, उससे ज्यादा रहेगी थर्ड की, उससे ज्यादा फोर्थ, देन फर्स्ट। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के। आगे 39th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट मैक्सिमम हीट ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो आप इन चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें करेक्ट आंसर इथाइन आएगा। रीजन क्या है बच्चे, जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन है, इथाइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, आप बाकी के देखोगे वो अल्कीन है, इथीन प्रोपीन इसमें भी डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन आती है उसमें जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो सबसे ज्यादा हीट इथाइन के केस में होगी जब वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के अंडर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 40, इसमें क्या पूछा हुआ है, टॉलरेंस टेस्ट विल बी नेगेटिव फॉर। तो टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, ये रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफ्रेंशिएट करता है। रिड्यूसिंग शुगर जिनमें सपोज करो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना रिड्यूसिंग शुगर में, वो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप को। तो अगर आप इन चार ऑप्शंस में देखोगे तो इसमें ग्लूकोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, मैनोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, गैलेक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। इन तीनों ऑप्शंस के अंदर ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इट मीन ये तीनों ही क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। बट अगर हम सुक्रोज की बात करें तो वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यही है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कौन सा टेस्ट देता है, नेगेटिव। तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर आएगा 40th क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ये वाले जो 20 क्वेश्चंस है इनको मैं आज अपलोड कर दूंगी, बाकी के 20 क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ आता है, कुछ भी बच्चे समझ आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, और कोई छोटा सा भी डाउट है आप जरूर मेंशन करा करो कमेंट सेक्शन में, मैं वहां पर आपको आंसर करूंगी। अगर कुछ गलत है, सपोज करो मैंने सही आंसर नहीं दिया, आपके हिसाब से क्या है वो मुझे बता सकते हो, तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि आप हमेशा भूल जाते हो, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, आप अपनी प्रैक्टिस करो, थैंक यू।